गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे इन अवर इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर सॉरी अवर पोइम वेकअप. ये फोर्थ क्लास की मैरीगोल्ड बुक की पोइम है. तो चलिए हम इसका वर्ड मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड इसका बुक वर्क आज देख लेते हैं. तो इसके वर्ड मीनिंग से शुरू करते हैं हम. सबसे पहला वो जो वर्ड मीनिंग है हमारे पास वो है लवली. लवली का मतलब होता है प्यारा एंड प्रीटी का मतलब भी होता है प्यारा. नेक्स्ट इज बजिंग. बजिंग का मतलब होता है भिन भिन का साउंड करना. भिन भिन मक्खी करती है ना जैसे, वैसे उसको हम ड्रॉनिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट इज स्लीपी हेड. हम कह देते हैं ना ये यहाँ तक है स्लीपी हेड. हम कह देते हैं ना ये तो स्लीपी हेड है, ये तो आलसी है, मीन्स लेजी. ठीक है, लेजी भी कहते हैं हम स्लीपी हेड को. नेक्स्ट इज टाइनीस्ट, मतलब बहुत छोटे 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 होते हैं जो, तो उसको हम स्मॉलेस्ट भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स. तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसके. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू यू थिंक बर्ड्स से ईच अदर व्हाट इन द मॉर्निंग. तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो मॉर्निंग में क्या बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं एक दूसरे को. सो मुझे लगता है आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग. वो क्या कहते हैं एक दूसरे को, सुबह की नमस्ते या सुबह का प्रणाम. तो ये कहते हैं वो मॉर्निंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक. कौन ऑलरेडी जागे हुए होते हैं, बर्ड्स, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक, शीप, चिकन आर ऑलरेडी अवेक. मतलब सारे जो छोटे बड़े जीव जंतु हैं सभी सुबह सुबह जागे होते हैं. विच क्रिएचर वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज. अब बच्चे के उठने से पहले कौन से ऐसे क्रिएचर हैं जो पहले ही उठ जाते हैं. सेम है वही, सभी जानवर तो पहले ही उठ जाते हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, बर्ड्स, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन, ये सभी क्या करते हैं बच्चे के उठने से पहले ही जाग जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है इमेजिनेशन. इमेजिनेशन आपने खुद से देख लेनी है बट फिर भी मैं एक बार आपको करवा देती हूँ. इमेजिन दैट अ काओ, हॉर्स, डक एंड चिकन आर मीटिंग फॉर अ मॉर्निंग मील. वो सुबह सुबह खाने के लिए मिलते हैं. व्हाट वुड दे से टू वन अनदर, एक दूसरे से वो क्या बातें करेंगे. तो आपको पता है पशु पक्षी हैं जो, उनके पास और कोई हमारे जैसी बिजनेस की बातें तो होती नहीं है, तो वो अपनी वो खाने पीने की बातें ही करेंगे. ऑब्वियस है, दे वुड ग्रीट ईच अदर. पहले तो वो एक दूसरे को ग्रीट करेंगे, मतलब प्रणाम करेंगे, सत्कार देंगे उनको. दे वुड टॉक अबाउट द नाइट स्लीप, कि रात को आप कैसे सोए हो उसके बारे में बात करोगे, आराम से नींद आई या नहीं. दे वुड टॉक अबाउट प्लीजेंट मॉर्निंग, वो ये बात करेंगे कि आज की सुबह कितनी अच्छी है. अगली बात वो करेंगे दे वुड टॉक अबाउट द मॉर्निंग मील, तो मॉर्निंग मील कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में वो बात करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्ट द पेयर ऑफ सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड और बट. अब आपको दो लाइन्स दी होगी, उसको आपने कनेक्ट करना है, एक दूसरे के साथ जोड़कर एक लाइन बनाना है, जैसे कि हम पहले भी ग्रामर में टॉपिक कर चुके हैं अपना. तो वैसे ही आपने एंड और बट का यूज़ करके इन लाइन्स को कनेक्ट करना है. जैसे फर्स्ट लाइन है हमारे पास, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. तो मैं इसको कैसे जोड़ूंगी, मैं इसको जोड़ूंगी इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल. ये सुबह स्कूल जाने का टाइम है बट परंतु आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम टाइम मोर, मैं कुछ टाइम के लिए और सोना चाहता. नेक्स्ट है ए है शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे. उसको अपने बर्थडे के लिए क्या मिलती हैं, कुछ चॉकलेट्स. शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, उसको कुछ नए कपड़े भी मिलते हैं. मैं इसको कैसे जोड़ूंगी, शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे. वो अपने बर्थडे के लिए क्लोथ्स और चॉकलेट्स लेती है. एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप. अब पहली लाइन है सभी सो गए हैं या सभी सोने के लिए चले गए हैं. आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, और मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूँ. इसको हम जोड़ेंगे एवरी वन हैज़ गॉन टू स्लीप बट परंतु आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी किताब को पढ़ना चाहता हूँ. नेक्स्ट है राजू प्लेज क्रिकेट. राजू क्या खेलता है, क्रिकेट. ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, और वो क्या खेलता है, हॉकी. तो हम इसको जोड़कर क्या लिखेंगे, राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी. तो चलिए ये हमारा यहीं पे ख़त्म होता है टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक अकॉर्डिंगली एग्जाम्पल गिवन बिलो. आपको ये कुछ डिग्रीज दी हुई हैं, हमने इसको वैसे का वैसे करना है. ये आपने पहले भी सुनी होगी, बहुत सिंपल है ये. टाइनी, टाइनियर, टाइनीस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपीएस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट. Small, smaller, smallest. Good,
बेटर बेस्ट, इसका चेंज हो गया, गुड की सेकेंड फॉर्म होती है बेटर, थर्ड होती है बेस्ट, लवली लवलियर लवलीएस्ट, बाकी सभी आपकी सेम है। तो ये बहुत ईजी है आपको याद करने के लिए। थैंक यू फॉर टुडे, आज का हमारा बुक वर्क क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग यहीं खत्म होते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।